तो जैसे कि भी आपको बता दें कि बहुत सारा लोग का डिमांड रहता है कि भैया स्कॉर्पियो के ऊपर वीडियो बनाओ, स्कॉर्पियो में कुछ मॉडिफिकेशन करवाओ या फिर कुछ भी। तो आपको हेडलाइट खोलने के लिए थोड़ा सा उस साइड बम्पर खोलना पड़ेगा, उसका दो स्क्रू है यहाँ पे खोलना पड़ेगा, उस पर हेडलाइट बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग का गाड़ी का हेडलाइट तक भी आप देख सकते हैं, टीआरएल ऑन किया अभी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग है अपने स्कॉर्पियो के ऊपर है, और अपने स्कॉर्पियो में आज हम जा रहे हैं गाड़ी का बम्पर जो है वो चेंज करने जा रहे हैं, और वो इंश्योरेंस क्लेम होगा। और हम देखते हैं कि हेडलाइट भी इसका चेंज करेंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम पर नहीं आएगा, बट हो सके तो बम्पर आज इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, या फिर देखते हैं अगर कितना उसका बजट जा रहा है उस हिसाब से हम क्लेम करेंगे। अगर कम में बन जाता है तो बना लेंगे, और क्लेम में ज़्यादा पैसा अमाउंट भाग रहा है तो फिर इंश्योरेंस कर लेंगे। और आपको दिखा रहे हैं बम्पर कहाँ से टूटा हुआ है, ये देखिए इस जगह से ये बम्पर टूट चुका है, और इस साइड ये जो अंदर में लॉक है ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक मिनट देखते हैं ये निकल गया पूरा। और ये यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक पूरा टूट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे अंदर पे वाइट कलर का है ना, ये टूट चुका है। और सेम इस साइड भी हुआ है, और इस साइड भी देखिए लॉक टूट गया है ये भी। तो ये बम्पर पूरा हम चेंज करने जा रहे हैं, ये जो बम्पर ये पूरा चेंज होगा गाड़ी का, और हो सके तो गाड़ी का हेडलाइट भी चेंज करेंगे। वो नई वाली स्कॉर्पियो आई है, स्कॉर्पियो क्लासिक, तो वही वाले हेडलाइट हम लगवाने का सोच रहे हैं। और हो सके तो अगर न्यू वाली स्कॉर्पियो का अगर बम्पर फिट हो जाता है तो वो भी हम सोचेंगे लगाने का। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जैसे कि भी आप देख रहे हैं अभी घर से निकल चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:40 हो रहा है, और अभी बलियापुर वाले रोड में है, और अब सामने बिक्की भैया वेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रहे हैं, वो भी अपना कार लेके जा रहे हैं, क्योंकि उधर से आने में हमको गाड़ी हमको छोड़ना पड़ेगा शोरूम में, और उधर से आने के लिए हमको कोई गाड़ी चाहिए था। तो बिक्की भैया बोले कि चलो हम साथ में चलते हैं, तो वो भी वो सामने पेट्रोल पंप में खड़े हैं, तो अभी उन्हीं के साथ जाएंगे, वो भी कार से अपना बुलेरो लेके जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए, और बिक्की भैया यहीं पे रुके हुए हैं, अब देखना पड़ेगा कहाँ पे रुके हैं। ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ बहुत सारा ट्रक लगा हुआ है। कहाँ रुके हैं, कहाँ रुके हैं, अच्छा यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे रुके हैं। आज फर्स्ट टाइम हम कार पे ब्लॉग शूट करके जा रहे हैं, सब सारा वीडियो तो मेरा बाइक पे ही रहता है, और कार के ऊपर तो बहुत कम वीडियो रहता है। तो जैसे कि भी आपको बता दें कि बहुत सारा लोग का डिमांड रहता है कि भैया स्कॉर्पियो के ऊपर वीडियो बनाओ, स्कॉर्पियो में कुछ मॉडिफिकेशन करवाओ या फिर कुछ भी। तो आज हम सोचेंगे चलो आज स्कॉर्पियो का ही कुछ वीडियो बनाते हैं, और आपको भी बता देंगे कि गाड़ी में कितना क्या क्या हम लगवा रहे हैं, और कितना खर्चा हो रहा है, जैसे कि DRL होगा, बम्पर होगा, हेडलाइट होगा, ये सारा कुछ का हम प्राइस आपको बताएंगे। तो अभी देखिए पीछे बिक्की भैया है, गाड़ी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको अभी आगे जाके रुकेंगे, और कुछ हो सके तो बिक्की भैया बोल रहे हैं कि एक दो रील्स बनाएंगे गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे कि कितना खर्चा हो रहा है गाड़ी में, और अगर हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम में कितना खर्चा आता है, तो ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, प्रधान खंडा के आगे रुके हुए हैं, और यहाँ पे एक दो रील्स बना रहे हैं गाड़ी का, देख सकते हैं गाड़ी का दोनों में अलॉय लगा हुआ है, और कितना अलॉय में देखिए गाड़ी सेक्सी लग रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है दोनों गाड़ी अलॉय व्हील्स में। अलॉय व्हील्स लगाने के बाद गाड़ी का लुक ही पूरा चेंज हो जाता है। और हम अभी पीछे जा रहे हैं तो अभी रील्स बना रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा पीछे है। जैसा कि अभी देख रहे हैं हम अभी शोरूम पहुँच चुके हैं, ये देवली वाला शोरूम है महिंद्रा का, और अभी अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं आज तो गाड़ी उड़ी दिख नहीं रहा है, तो अभी गाड़ी अंदर कर रहे हैं, देखिए और ये रहा गाड़ी अभी यार्ड पे खड़ा करके जा रहे हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं गाड़ी बहुत सारा है, इंश्योरेंस क्लेम का देख सकते हैं बहुत सारा है, और गाड़ी मेरा यहीं पे रहेगा एक हफ्ता, 1 वीक। तो फाइनली ये गाड़ी को अब हमको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा एक हफ्ता तक, तो इसके लिए बाय बाय बाय, मिलते हैं एक हफ्ता बाद। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना स्कॉर्पियो का डिलीवरी है आज, और इंश्योरेंस जो क्लेम किए थे वो आज बन गया गाड़ी, और गाड़ी बनने में हम लोग को लगभग 3-4-5 दिन लगा, और बीच में न्यू ईयर भी था तो इसीलिए एक दिन गैप हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं गाड़ी में कितना खर्चा हुआ, और इंश्योरेंस क्लेम में कितना लगा, और क्या क्या हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया था, और क्या क्या हम लोग अलग से खरीद रहे हैं।
तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये बुलाया गया था सेकेंड हाफ में और 2 बजे तक पहुँचने बोला है, और हम और मेरा भाई जा रहे हैं। देखिए मेरा भाई रेडी हो चुका है और हम दोनों जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे बलियापुर स्टैंड, वहाँ से ऑटो से हम लोग जाएंगे, यहाँ से किसी को छोड़ने बोलेंगे स्टैंड तक, उसके बाद वहाँ से ऑटो से जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अभी गोविंदपुर के आगे पहुँच गए हैं, आरएस मोड़ के पास, और अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं। भैया बोले कि चलो छोड़ देंगे हम लोग को शोरूम। तो अभी देख सकते हैं हाईवे में, अभी ऑटो में जाते तो लेट हो जाता हम लोग का। तो फाइनली हम लोग शोरूम पहुँच गए, ये रहा महिंद्रा, और यहाँ बाइक रखेंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी मेरा वॉशिंग में लगा हुआ है, और ये रहा सामने गाड़ी, देखते हैं क्या हुआ गाड़ी में काम। तो ये रहा गाड़ी, और दिखाते हैं बम्पर आपको। तो जैसे कि भी आप देख रहे हैं गाड़ी में, आपको फ्रंट से बहुत कुछ चेंज लग रहा होगा गाड़ी में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे तो क्लेम अभी एक साइड हुआ है, ये लेफ्ट साइड वाला, और ये साइड लेफ्ट साइड वाला सारा चेंज हो गया है। फॉग लाइट भी चेंज हुआ है यहाँ पे, और ये जो बम्पर है पूरा सेट चेंज हुआ, इसको पेंटिंग हुआ, और ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हेडलाइट भी देखते हैं S11 का है, और इधर नॉर्मल जो हैलोजन मेरा पहले था, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक थार एक सर्विसिंग हो रहा है यहाँ पे, और इधर अभी सबका लंच टाइम हो गया इसलिए अभी कोई नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे वर्कशॉप है, और गाड़ी अभी लगेगा, और उसके बाद हम लोग का हेडलाइट चेंज होगा, ये वाला राइट वाला जॉब कार्ड अभी हम लोग बनवा लिए हैं, और अभी हेडलाइट चेंज होगा बस कुछ ही देर में। महिंद्रा का हम लोग का कूपन था, वो अप्लाई किए हैं, ये देखिए महिंद्रा का, और इस पर 5% ऑफ था, और एक 500 रुपया कैश डिस्काउंट था, तो हम लोग एक कूपन अप्लाई किए, और ये रहा महिंद्रा वाला कूपन, महिंद्रा मॉडल फ्यूल्स। तो ये रहा स्कॉर्पियो S11 का हेड लाइट, ये इंस्टॉल होगा इसको। तो आपको हेडलाइट खोलने के लिए थोड़ा सा उस साइड बम्पर खोलना पड़ेगा, उसका 2 स्क्रू है यहाँ पे खोलना पड़ेगा, उसमें हेडलाइट बाहर निकल जाएगा, और ये हेडलाइट निकल गई जो पहले जो नॉर्मल हेलोजन वाला हेडलाइट। और हेडलाइट खुलने के बाद गाड़ी ऐसे दिख रही है, देख सकते हैं पूरा खाली है, बस कपलर टू कपलर है, ज़्यादा कुछ इसमें ताम झाम नहीं है। तो फाइनली लिए हम लोग का गाड़ी का हेडलाइट लग गया, आप देख सकते हैं DRL ऑन किया, अभी इंस्टॉल हो चुका है। वो इंस्टॉल हो चुका है, और आप देख सकते हैं हेडलाइट का लुक, और आप ये देख सकते हैं ये सामने से एक बार, और ये DRL वाला फोग मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करवाया है, ये रहा, और ये ग्रिल भी चेंज हुआ है, और ये बम्पर दोनों चेंज हुआ है। तो अभी गाड़ी के डिक्की में अभी पीछे में दिखा रहे हैं आपको, जो हम लोग का पुराना वाला जो हेडलाइट है वो पे, और ये रहा पुराना वाला हेडलाइट, दोनों हेडलाइट है यहाँ पे, ये रहा आगे से दिखा रहे हैं, और ये रहा एक, और एक ग्रिल है, ग्रिल ये देखिए पुराना वाला। तो हेडलाइट का MRP रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे है 9,304 रुपया, और ये हेडलाइट का रेट है S11। तो जैसा कि भी आप देख रहे हैं जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट का मुझे पड़ा था 9,300 रुपया, और जो बम्पर का मुझे पड़ा था 14,000 समथिंग कुछ था, और ये DRL वगैरह ये फॉगलाइट वगैरह सब कुछ तो मेरा पहले से था, तो ये सब चेंज नहीं हुआ है। हाँ ये लेफ्ट साइड वाला जो फॉग है ये चेंज हुआ था। आगे जितना कुछ आपको दिख रहा है ये सारा कुछ मेरा 40,000 में कंप्लीट हो गया, बनके रेडी हो गया, देख सकते हैं, और ये साइड से लुक भी देख लीजिए एक बार। तो चलिए आप कुछ इसका सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।